नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि DLED स्कूटनी का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट। कमेंट बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए लिंक दिया जहां से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर इस वीडियो में देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। या दोस्तों, छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हार गए, सपा ने हराया। जी हाँ दोस्तों, छात्रों की भैया मांग ये थी कि शिक्षा मंत्री जी को हराया जाए। जी हाँ, नौकरी नहीं निकाली जा रही थी, बच्चों की मांग थी कि 97,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा कि हम 17,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री जी हमारे फिलहाल हार चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार हमारे शिक्षा मंत्री जी कौन बनते हैं। अपडेट्स को हम कवर करते रहेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। शिक्षक भर्ती में OBC को मिली इतनी छूट, आयोग ने दिया आदेश। तो अभी दोस्तों देखते हैं कि OBC छात्रों को कितनी छूट मिलेगी। अगली अपडेट में बात करेंगे UPTET के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही होगा समाप्त। जी हाँ दोस्तों, UPTET रिजल्ट को लेकर भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र का तोहफा, ग्रुप डी उम्मीदवारों की होगी एक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्रुप डी उम्मीदवारों की सिर्फ एक परीक्षा होगी। अपडेट को भी कवर करेंगे। उसके बाद अगली अपडेट, भाजपा प्रचंड जीत के बाद अब वादों की बोझ है दोस्तों। होली पर बांटने होंगे 1.5 करोड़ सिलेंडर, जाने पूरे वादे। जी हाँ दोस्तों, क्या सरकार 1.5 करोड़ सिलेंडर बांटेगी, अभी इस वीडियो में इस अपडेट को कवर करेंगे। फिलहाल दोस्तों जो हमारे स्कूटनी का रिजल्ट कुछ ऐसा शो कर रहा है, तो अगर आपके दोस्तों नंबर बड़े होंगे तो यहाँ पर शो करेगा। देखिए, जैसे इस बच्चे का नंबर पहले 4 था, स्कूटनी में एक नंबर बढ़ के 5 हो गया। कोई फायदा नहीं, क्योंकि पास होने के लिए 12 नंबर गणित में चाहिए होते हैं। ठीक, एक नंबर बढ़ गया, नहीं तो बहुत से बच्चों के रिजल्ट में यहाँ पर जो लिखा होगा ना, यहाँ NC लिख के आ रहा होगा। NC का मतलब होता है नॉट चेंज, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 3,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, 255 लोगों की जान गई है। ठीक है, और गाइस आपके सामने सीटेट का रिजल्ट भी हम आपके सामने रखते हैं। तो गाइस देखिए, सीटेट रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ी होशियारी की गई। इन्होंने दोस्तों ये शो नहीं किया कि भैया नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ गए या कितने नंबर कम हो गए, और इनकी जो आंसर की थी फाइनल वाली जारी की गई, मतलब वो इतना मुश्किल था दोस्तों मिलाना कि बच्चे मिला भी नहीं पाए। तो यहाँ पर दोस्तों सीटेट ने इस बार बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं लिखा। ठीक है, बच्चों ने नंबर मिला, कुछ बच्चों के नंबर 1-2 बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों के नंबर घट रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर 82 नंबर पर है, अगर आपका एक भी नंबर कम हो गया, 81 हो गया, तो ये आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। नंबर बढ़ गया उसको कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन नंबर घट जाने से फेल हो जाने पर बहुत ही बड़ी समस्या होती है। और सीटेट का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा नहीं आया। तकरीबन 19 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कोरोना के चलते यह सेंटर इतना दूर भेज दिया गया जानबूझ के बच्चों का, कि उनमें से सिर्फ 14,95,000 बच्चों ने पेपर दे पाए। तो तकरीबन 4 लाख बच्चे पेपर नहीं दे पाए। और सबसे बड़ा धोखा यहाँ पर यह हुआ ना कि उन्होंने उनका पैसा भी वापस ले लिया। ऐसा ही दोस्तों UPTET में भी देखने को मिला। कोरोना के चलते पेपर करा लिया गया, लेकिन जब रिफंड की बात आई तो 1 रुपए इन्होंने पैसा वापस नहीं किया, कि जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए कोरोना के चलते या सेंटर दूर होने के चलते, उनका पैसा वापस करे। बिल्कुल शर्म है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 में 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, पेपर अपियर कितने में 12,78,000। तो यहाँ पर भी इतने ज्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ा, तो ये दोस्तों सच्चाई है। ठीक है, इनको कुल मिला के पैसे ही कमाने हैं, क्योंकि सेंटर इतना दूर भेज दिया गया जानबूझ के कि बच्चे कैसे पहुंच पाते। तो ये सीटेट का दोस्तों हाल है। UPTET में अभी आपने देखा था, तो अभी UPTET का रिजल्ट आने वाला है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में सीटेट रिजल्ट का लिंक है, DLED स्कूटनी रिजल्ट का लिंक है, जहां से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट आपको बता देते हैं, dlredresult.com वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों सीटेट की अपडेट हो गई, कोरोना केसेस की अपडेट हो गई, और ये रहा हमारा स्कूटनी का रिजल्ट। तो चलिए आप एक एक करके पहले हम BJP सरकार के बड़े वादों को देख लेते हैं, जो कि आपको फायदा होगा। अपडेट लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों की होली भर दी है, और उनका बोझ भी दोस्त योगी सरकार 2 को पहले कदम से उठाना पड़ेगा। सरकार को जीत के जश्न के साथ ही होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को
मुफ्त गैस सिलेंडर देना है, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसके लिए सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा ने विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को लुभाने के लिए कुल 130 संकल्प लिए। अब सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ ही वापसी कर ली है। शपथ लेते ही योगी सरकार को उन 1.5 करोड़ गरीबों की पहली उम्मीद को पूरा करना है, जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 937.50 रुपए हैं। इस तरह यह वादा पूरा करने के लिए सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अन्य प्रमुख संकल्प जो करने हैं पूरे, ठीक है दोस्तों, जिनको मतलब ये फ्री वाला सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर नौकरी की बात नहीं लिखी है। अगर ये लिखा होता ना कि इनके जीत के बाद तुरंत ही दोस्तों हम कम से कम 10 लाख पदों को भर देंगे, तब भी बच्चे खुश होते, कम से कम हमें नौकरी तो मिल जाएगी। अब ये मुफ्त का बांटेंगे एक अच्छी बात है, लेकिन फायदा क्या है? वो दोबारा कमा तो नहीं पाएंगे ना। कि देखिए, अगर वो कमाई कर सकते 937 रुपए अगर उनके पास होते तो वो खुद से ना भरा लेते। तो यहाँ पर एक रोजगार की बात होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, हाई स्कूल के बाद 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते, उनके लिए तो बढ़िया है कि चलो भैया फ्री का सिलेंडर मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो। इस अपडेट को जरा देखिए। हर विधवा व निराश्रित महिला की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना किया जाएगा। ये दोस्तों जरा इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि जो महिलाएं 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की बात कही गई, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका संकल्प पत्र लेकर आप चल सकते हैं। बाकी जब तक अभी कोई लिखित आदेश नहीं आता ना, तब तक हुआ नहीं है। आगे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय सहायता 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, गन्ना किसानों को 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, सिंचाई के लिए देनी होगी मुफ्त बिजली। विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को अन्य अपना मतलब प्रमुख हथियार बनाना चाहते थे, इसलिए भाजपा ने भी इसे पहले ही की तरह मतलब प्राथमिकता में रखा। समृद्ध कृषि संकल्पना में ऐलान किया गया था कि अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये दोस्त एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, अगर ऐसा हो जाता तब भी बढ़िया, कम से कम फ्री में बिजली तो देंगे, सिंचाई के लिए, ठीक है, ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, अब देखते हैं कितने वादे पूरे होते हैं। अब जरा इस अपडेट को देखते हैं यूपीटेट की। तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लागू आचार संहिता 10 मार्च को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद यूपीटेट का रिजल्ट भी किसी वक्त घोषित किया जा सकता है। ये दोस्तों बड़ी बात है, 10 मार्च को हमारी आचार संहिता खत्म हो रही है, अब हमारा रिजल्ट आ सकता है। आज 11 तारीख हो गई हमारी। सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा सीट से बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी भाजपा प्रत्याशी थे। सपा ने माता प्रसाद पांडे, बसपा ने हरिशंकर सिंह और कांग्रेस ने अरशद खुर्शीद को चुनाव मैदान में उतारा था। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। उन्हें सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने 1526 वोटों से हरा दिया है। सपा को 63,631 और भाजपा को 62,105 मत मिले। तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री की हारे, कम से कम अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है। अब देखते हैं कौन से नए शिक्षा मंत्री हमारे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करेंगे जो भी हमारे नए मंत्री जी बने, फिलहाल वो एक बड़ी भर्ती देने का कष्ट करें और 97,000 पदों पर तत्काल नए शिक्षक भर्ती निकालें। जी हाँ दोस्तों, 17,000 पदों पर अगर वैकेंसी निकलेगी, इसका खेल समझ लीजिए ना, दिक्कत क्या है, 17,000 पद कम नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मौका सरकार ने बोला था हम शिक्षा मित्रों को भी देंगे। शिक्षा मित्रों को मौका के साथ 25 अंक का भारांक दे देंगे, ठीक है। अब मान लेते 17,000 में से 8-10,000 सीटें शिक्षा मित्र लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए क्या बचेगा? एक तो बीएड को अलग से मौका है, डीएलएड छात्रों को क्या मिलेगा, इसको समझिए। बाकी दोस्तों हमारी जो डीएलएड की डेट सीट है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने को लेकर धरना है, जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 24 मार्च से यूपी बोर्ड की परीक्षा है, ठीक है। और अगर हमारा डीएलएड का बैक पेपर होगा, मतलब सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, तीनों सेमेस्टर का पेपर होने के लिए कम से कम 9 दिन का समय लगेगा।
अगर दोस्तों कल से भी पेपर शुरू होगा तो 20 मार्च तक चलेगा, तो गाइस तब लग रहा है धीरे धीरे कि यहाँ लेट लतीफ की होगी और हमारा पेपर अप्रैल में जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे इंतजार कर रहे थे प्रथम सेमेस्टर पेपर को लेकर, तो गाइस आपको बता दें सेकेंड थर्ड और फोर्थ का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा चुका है, इसलिए दोस्तों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भैया पेपर होगा। बाकी जो भी अपडेट देखे अलग से निकल कर आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।